हेलो पेरेंट्स, निर्भया का केस सुना, आसिफा का केस सुना, कहीं ना कहीं ये हमें अंदर से झकझोर देता है। हमें लगता है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ दें या उन्हें किन्हीं चीज़ों से अवगत ना कराएं जिससे कल वो ऐसे हादसों का शिकार ना हो जाएं। हम कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ या उस तरह के किसी भी अब्यूज़ से ग्रसित है तो हम कैसे उसे पहचानें, कैसे ऐसे बच्चों को समझने की कोशिश करें और उन्हें इन चीज़ों से लड़ने की पावर प्रदान करें, शक्ति दे सकें ताकि वो आगे ऐसी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकें। और ऐसी वीडियोस को सुनने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आप और ऐसे बहुत ही करंट टॉपिक्स पे जानकारी ले सकें और एक अच्छा और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने की कोशिश कर सकें। तो आज हम बात कर रहे थे कि आप कैसे अपने बच्चों को किसी भी तरह के अब्यूज़, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा इन चीज़ों के प्रभाव में है या नहीं है। तो पहचानना, कौन पहचान सकता है और हम पहचानेंगे कैसे? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहता है, किसी फिज़िकल एक्टिविटी में एक्टिव नहीं है जहाँ वो पहले एक्टिव था, तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे अब्यूज से ग्रसित हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहने लगा है, बात नहीं करता है और स्कूल जाना या कोई भी हॉबी क्लास जाने से डरने लगा है, तो हो सकता है उसके मन में या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तीसरा, हो सकता है आपका कोई घर का रिलेटिव या कोई अंकल आंट, कोई नेबरहुड में कोई है जिसके पास वो जाने के बाद कम बात करता है या उससे मिलने के लिए मना करता है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ वो सहन कर रहा हो। इसके अलावा सिर्फ ये पेरेंट नहीं, स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे किसी भी फैक्टर को नोटिस करते हैं तो बच्चे से बात करें, कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, उसे एक्सप्रेस करने का टूल बताएं कि आप बोलिए, बात करिए, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में हम उसकी मदद कर सकें। होता क्या है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में जब बच्चे 5 से 6 साल या उससे छोटे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ऐसी किसी भी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। वो उसे बहुत साइलेंटली लेते हैं और सोचते हैं कि ये बात मामा को क्यों बतानी है। बेसिकली वो घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि घर के मेंबर्स को बच्चों को अप्रोच करना ईजी होता है और वो उनके बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को अगर ऐसी चीज़ों से दूर या बचाना चाहते हैं या ओवरकम करने की पावर देना चाहते हैं, तो सबसे पहली टिप है कि उनका सपोर्ट बने। आप अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्ट फैक्टर हैं। अगर आप उसके कंधे पर हाथ रख के, उसके पास बैठ के उसे डेली पूछेंगे या धीरे धीरे उसके अंदर ये इन्फ्लुएंस, ये पावर लाने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए, आई एम देयर विद यू, तो धीरे धीरे वो अपने अंदर की बातें शेयर करेगा। लेकिन अगर आप सिमिलरली स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनकी चीज़ों को, कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप इस डायरेक्शन में मत सोचिए, आपके फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके अंतर मन में बच्चे के दबके रह जाती हैं और वो चीज़ें आने वाले फ्यूचर में डिप्रेशन का शिकार बच्चे को कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी रिलेटिव से मिलने में झिझक रहा है और हिचकिचा रहा है, तो आप उस रिलेटिव को, उस पर्सन को, मे बी इट्स योर स्कूल ड्राइवर, मे बी अ कैब ड्राइवर, मे बी समबडी हु गिव्स देम चॉकलेट, कोई भी हो सकता है, कोई भी दुकानदार है, खिलौने बेचने वाला है, कोई भी हो सकता है, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन आपकी नज़र में आ रहा है जिससे बच्चा दूर होने की कोशिश कर रहा है या कोई रिलेटिव है, तो उन्हें आसपास ना आने दें। आपके लिए आपका बच्चा आपके पारिवारिक रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाने की कोशिश करें। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा और बुरा सेक्सुअल चीज़ें सिखाता है, लेकिन उसका एक टाइम डिसाइड करता है। कई लोग सोचते हैं कि 5 से 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, और बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि कौन सी ऐसी उम्र होनी चाहिए जब हम अपने बच्चों को बता सकें इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरे हिसाब से आजकल के समय में
5 साल के बाद आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से थोड़ा करके अवगत करा सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं, सच, चाहे थोड़ा सा ढका हुआ सच, लेकिन सच के माध्यम से उन्हें ये सब चीज़ें बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सब गुड टच बैड टच बताने की उम्र जल्दी है, जैसे स्कूलों में आजकल बताया जाता है, देन लेट योर किड गो फॉर इट, उन्हें सीखने दें ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे खुद से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना सीखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट के नाते इस सब चीज़ों को रजिस्टर कराएं। सिर्फ वेट ना करें कि अगली बार नहीं होगा, हमने अपनी तरफ से धमकी दे दी है, हमने हर तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट कर दिया है, उसका स्कूल जाना छोड़ना या बस बंद करवा देना या चीज़ें ख़त्म करा देना, इस चीज़ का सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि आप अपने बच्चे के लिए बूस्ट करने के साथ साथ इस चीज़ को रजिस्टर कराएं, बदनामी के पीछे ना जाएं। ये गुप्त रजिस्ट्रेशन होता है जो आप किसी भी पुलिस थाने में जाके करा सकते हैं, गो फॉर इट। हो सकता है कि जब आप केस रजिस्टर कराएं तो धीरे धीरे आपके बच्चे का एस्टीम टूटने लगे, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, उस समय आपको अपने बच्चे के साथ स्ट्रांग, खुद भी आपको स्ट्रांग उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, जो कि आप सब के लिए, इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे ये सब चीज़ें रिपीट ना हो। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी, अपने बच्चों को ऐसे एब्यूज़ के बाद या पहले टूटने ना दें। कभी कभार हम दूसरों के बारे में सुनते हैं या खुद ऐसी बातें होती हैं तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ऐसे समय में अपने बच्चे को काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी सलाहकार के पास ले जाना आपके बच्चे को पागल नहीं दर्शाता है, आपको ये बताता है कि आप अपनी बीमारी से अवगत हैं। गो टू अ काउंसलर, टेक योर चाइल्ड टू द राइट पर्सन जो उसे गाइड कर सके, ये सभी हालातों से निकलने के लिए उसकी मदद कर सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक जानी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या कोई भी और बिहेवियर रिलेटेड कोई भी इश्यूज से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे एक लिंक है, उस पर जाइए, मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं। फ़ोन कॉल के थ्रू आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी, हम आपसे नाम भी नहीं पूछेंगे, आप हमसे बात करिए, अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन लें, क्योंकि एक्सप्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई भी और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे रूबरू हूँ और उस टॉपिक पर आपसे बात करूँ, आपको सुझाव दे सकूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप मुझे वो टॉपिक लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर आपसे डेफिनेटली बात करूँगी। मेरा कहीं ना कहीं एम यही है कि मैं पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी पेरेंटिंग की डायरेक्शन में लेके जाऊं और बच्चों में एक अच्छा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकूं। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नई वीडियो में मिलूंगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, ताकि आप बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी और वीडियो सुन सकें और एक अच्छी पेरेंटिंग की डायरेक्शन में जा सकें। टिल देन, अ हैप्पी एंड अ सेफ पेरेंटिंग।